मिस्टर इंडिया मूवी को बनाते वक्त मेकर्स चाहते थे कि मूवी को किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे का सपोर्ट मिले, इसलिए उन्होंने बोनी कपूर से बात की ताकि बोनी कपूर अपने पिताजी से बात कर सके और फिल्म को एक अच्छे प्रोड्यूसर मिल जाए। बोनी कपूर ने अपने पिताजी से बात की और उनके पिताजी ने पहले तो मदद करने से मना कर दिया, पर बाद में जब बोनी कपूर के साथ शेखर कपूर गए उनसे बात करने तो बोनी के पिताजी मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो सेट पर जाए बिना ही काम करेंगे और अपने आइडियाज मेकर्स को बताएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट था मिस्टर इंडिया के मेकर्स के लिए। वैसे मिस्टर इंडिया 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए बोनी कपूर जैसे एक्सपीरियंस्ड शख्स ही तो है जिनके पास मिस्टर इंडिया के राइट्स हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स कब शूटिंग शुरू करते हैं और कितने बजट में फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर शेखर कपूर ने बहुत शिद्दत और मेहनत से मिस्टर इंडिया मूवी को बनाया, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई और मेकर्स को पता चला कि मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है तो पूरे बॉलीवुड में उस दौरान सिर्फ शेखर कपूर का नाम ही चल रहा था। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी शेखर कपूर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। जब शेखर कपूर रूप की रानी चोरी का राजा मूवी को शूट कर रहे थे तो उसी वक्त शेखर कपूर को ऑफर आया हॉलीवुड मूवी को डायरेक्ट करने का। फिर वो रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म को अधूरा छोड़कर चले गए और उसे बाद में सतीश कौशिक ने पूरा किया। इस तरह देखा जाए तो मिस्टर इंडिया फिल्म शेखर की आखिरी फिल्म थी जिसका डायरेक्शन उन्होंने पूरा किया था। वैसे डायरेक्टर अली अब्बास मिस्टर इंडिया 2 को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस देरी हो रही है तो कास्टिंग को लेकर, वरना वो जल्द ही शूटिंग शुरू कर देते। जब मिस्टर इंडिया मूवी की कास्टिंग चल रही थी तो मेकर्स अमिताभ बच्चन से बात करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन इलेक्शन में बिजी हो गए थे इसलिए उन्होंने अपने भाई अजिताभ को भेज दिया ताकि अजिताभ मेकर्स को जाकर ये बता सके कि अमिताभ फिल्म करने के लिए तैयार तो हो जाएंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करेंगे। ये सुनते ही राइटर्स सलीम जावेद एकदम चुप हो गए। तब उन्होंने अजिताभ को सिर्फ एक बात कही कि वो अमिताभ को मूवी में कास्ट नहीं करना चाहते, वो किसी दूसरे एक्टर को मूवी में कास्ट कर लेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। पर अब हमें इंतजार है मिस्टर इंडिया 2 का, जिसकी कास्टिंग मेकर्स जल्द से जल्द रिवील कर देंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म मिस्टर इंडिया 2 को लेकर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।